बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक लड़की ने वादा लगाया तानाशाही मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, बेरोजगारी की बातचीत की है, उस लड़की पे देशद्रोह लगा दिया गया है, क्या रोजगार मांगना देशद्रोह है? उस नीलम रानी के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बहुत शर्मसार बात है। और वो भी देश के संसद के अंदर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उन बच्चों ने हिम्मत की वहां पर जाने की और स्मोकिंग किट फेंकने का काम किया। उनके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं था, उनका इरादा कत्लेआम करने का नहीं था या कहीं पर किसी प्रकार का गलत कार्य करने का उनका इरादा नहीं था। नीलम रानी नाम की लड़की जो है वो MA है, MPhil है, CH HTET क्लियर है, एजुकेटेड है, IAS IPS की तैयारी करने लग रही है। उन्होंने ये बताने के लिए वहां पर गए थे भाई इतने एजुकेटेड होने के बाद हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा तो देश के 80 करोड़ युवाओं का क्या हाल होगा। इसमें प्रजातंत्र का गला घोटते हुए, संविधान को की अनदेखी करते हुए उन बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। हम इसकी घोर निंदा करती है। अगर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करना है उस BJP के सांसद के ऊपर करो जिसने कार्ड वितरित किए, या जो सिक्योरिटी का वहां पर ठेकेदार है उसके ऊपर किया जाए। उन्होंने कोई गलती नहीं की और उनकी आवाज उठाने वाले विपक्ष के जो सांसद थे लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जितने दिन तक शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा था और उनकी विपक्ष की गैरहाजिरी के अंदर संविधान के अंदर बहुत बड़े बदलाव किया गया, नए कानून लागू किए गए देश की जनता के हित में। आजादी के टाइम के डॉक्टर साहेब भीमराव जी अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें लार्ज स्केल के ऊपर तोड़ मरोड़ करके पूंजीपतियों के अडानी अंबानी के हक में कानून पास किए गए, जनता के हितों को के साथ कुठाराघात किया गया। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन नाम का जो संगठन तानाशाही प्रजातंत्र का विरोधी साम्राज्य विरोधी हिटलर शाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जो तैयार हुआ है उसके बैनर तले राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है कि निलंबित सांसदों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और उनकी गैरहाजिरी में संविधान के अंदर कानून के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर अवैध रूप से गलत तरीके से असंवैधानिक तरीके से तर्जीम की गई है उसको रद्द किया जाए। इस प्रकार का गदर फंड देश की जनता अनपढ़ नहीं है, नहीं चलने देगी। बच्चों के ऊपर देशद्रोह का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको रद्द किया जाए, वरना देश के युवा, देश का किसान, देश का मजदूर बहुत जल्दी सड़कों के ऊपर आएगा। शमशेर जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि मुझे इसलिए टारगेट किया गया, मेरी इसलिए नकल उतारी गई कि मैं जाट जाति से हूँ, अपमान किया गया जाटों का, किसानों का। क्या जाटों का, किसानों का अपमान धनखड़ जी कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर आपका क्या मानना? उसी दौर में साक्षी मलिक ने खेल छोड़ दिया है, संन्यास ले चुकी। ये जगदीप धनखड़ जो नाम का जो आदमी है ORSS का BJP का गुर्गा है, जाट का नाम लगा करके ओ भावुक करके ये लोगों को खंडित करने के लिए BJP का राज लेने के लिए प्रीप्लान इस प्रकार की बात कर रहा है। ऐसा उसका साथ होने से कहने से किसी जाट जाति का जाट समाज का अपमान नहीं होता। जाट किसान है बहुत बड़ी तादाद में जो दिल्ली के चारों तरफ भूखे प्यासे बैठे थे, लाठियां खा रहे थे, ठंडे पानी की बौछारें खा रहे थे काले कानूनों के खिलाफ। उस दिन वो जगदीप धनखड़ जाट कहां गया था? ये बिल्कुल बकवासबाजी है। और साक्षी मलिक बेटी ने कुश्ती को छोड़ा क्योंकि परिप्लान BJP वालों ने संजय सिंह नाम का जो ब्रजभूषण का गुर्गा था उसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया और देश का नाम रोशन करने वाले बच्चों की आवाज दबाई गई। उनके साथ बहुत बड़े बेरहमी से बेशर्मी से चरित्र हनन का काम हमारे खिलाड़ियों के साथ किया गया। ये भी प्रजातंत्र का और संविधान का गला घोटने वाली बात है। इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की तानाशाही ये देश की जनता, देश का किसान और मजदूर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बहुत जल्दी 2024 में इस तानाशाही प्रजातंत्र के हत्यारे संविधान को तोड़ मरोड़ करके पूंजीपतियों के हक में कानून बनाने वाले मजदूर किसान और कमेरे वर्ग का गला घोटने वाले कानून तैयार करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उसके संगठन को हम यहाँ से भगाने का काम करेंगे। जगदीप जी धनखड़ को क्या कहना चाहोगे? मेरा एक सवाल ये है कि उसी दौर में जो वो कह रहे हैं कि जाट जाति का अपमान किया गया है, सिर्फ उसकी नकल उतार दी गई, लेकिन एक साक्षी मलिक गोल्ड मेडलिस्ट उसने खेल छोड़ दिया है एक तानाशाही के खिलाफ, तो कैसे इसको उसका आपका क्या संदेश रहेगा? ये जाति पाति का जो नाम लेते हम तो जाति पाति में विश्वास ही नहीं रखते, लेकिन जगदीप धनखड़ जो जाट की बात कह रहे हैं नहीं, इससे उसके साथ किसी प्रकार की बात होती है, जाट जाति का कोई अपमान नहीं होता। तड़का होने का देगा, मेरे पेट में रसोड़ी होगी, उसका ऑपरेशन कराऊंगा, मेरे पेट में दर्द हो गया के सारे देश के जाट ऑपरेशन करवाऊंगे, ये सारी फालतू की बात है। आरएसएस का बीजेपी का गुर्गा है, उसका जाटों से कोई लेना देना नहीं। जाट और किसान लोग जब दिल्ली के चारों तरफ भूखे प्यासे बैठे थे काले कानूनों के खिलाफ, उस टाइम वो जाट धनखड़ जगदीप कहाँ गया था? ये सारी कोरी बकवास है, इसमें हम कोई कतई विश्वास नहीं रखते। हाँ जरूर जरूर दोनों बोलेंगे।